राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत है दादाजी के ढाबा में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत सारी क्वांटिटी में, मतलब 1 क्विंटल मूली का अचार। और इस सर्दी में ही मूली ज़्यादा होता है, और सबसे अचार डालने का मौसम A1 का ये बना हुआ है कि धूप निकल रहा है तो अचार जल्दी सूख जाता है और ये सालों साल तक चलता है। तो चलते हैं मूली का अचार अपने खेतों से, मतलब हमारे खेत में इस साल बहुत मूली हुआ है तो हम इसी वजह से इसका अचार बना रहे हैं। तो चलते हैं मूली उखाड़ देने। ये देखिए कितना बड़ा मूली। बहुत सारा मूली हुआ पड़ा है। इसको यहीं रख लेते हैं। देखो मुझे कितना है। एक सेकंड। ये देखिए हम मूली सारा खेत से उखाड़ लाए हैं। अब इसको हम जितना शोर होगा तोड़ देंगे और पत्ता को एक तरफ तोड़ के रखते जाएंगे, और ऐसा पत्ते को तोड़ के हम पत्ते को एक जगह फेंक देंगे। आप चाहें तो पत्ते का भुजिया, पकौड़े, जो कुछ भी बनाए, और इसी तरह हम सारा मूली के सोर को तोड़ के पत्ते को एक तरफ हटा देंगे। ये देखिए मूली चाहे मोटी हो या पतली हो, लेकिन मूली को फोंकी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का मूली फ्रेश होना चाहिए। मैं आपको मोटा भी मूली तोड़ के दिखाऊंगा। तो सारी मूली कच्ची है, खेत की मूली है, तो इस वजह से आप मूली कोई भी पतली मोटी कोई भी दे सकते हैं अचार के लिए, लेकिन फोंकी नहीं होनी चाहिए। ये पुआल है, इसको भिगा देते हैं, ऐसे मोड़ देते हैं, और फिर इसको जल्दी जल्दी धुलता भी है इसे। तो इसी तरह से हम सारा मूली को धो लेंगे। ये देखिए हम सारा मूली को धुल लिए हैं। ये 100 किलो से भी ज़्यादा मूली है, और इसको हम धुलने के बाद इसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा हमने तोड़ दिया है, ऐसे काट देंगे। और काटने के बाद अगर ज़्यादा लंबा मूली हो तो 3 हिस्सा कर दें, अगर मूली जो अगर छोटा मूली हो तो 2 हिस्सा कर दे। और इस तरह से हमें फ्रेंच फ्राई जैसे हम काटते हैं उस तरह से हम मूली को काटेंगे, मतलब पतला काटेंगे तो फायदा ही रहेगा कि मूली जल्दी सूख जाएगा। आजकल धूप की कमी होती है तो इस वजह से हम इस तरह से हम पतला पतला मूली काटेंगे। ये देखिए इतना बड़ा मूली है, इसको 5 पीस काटना पड़ गया मूली के हिसाब से अपना, और इसको उसी तरह काटना है जैसे हम फ्रेंच फ्राई के लिए आलू को काटते हैं।
सारा मूली को काट लिए हैं, अब इसको हम एक हफ्ता सुखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए मूली को 6-7 दिन धूप में सुखा लिए हैं और देखिए किस तरह से मूली सूख के हो गया है, एकदम अचार के लायक तैयार हो गया है। तो इसको चादर पर से उठा के हम पतीले में रख देते हैं। तो मूली का अचार है ये, 100 किलो अचार हो गया है, इसको वेट करेंगे। अब इसमें हम मसाले मिला देते हैं। देखिए हमने मूली को बढ़िया साफ कर दिया है, एक आधा काला पीला मूली हो जाता है तो इसको साफ कर दिया है। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्चा 2 बड़ा चम्मच, यही डालेंगे हम धनिया पाउडर 2 चम्मच, यही डालेंगे हल्दी पाउडर 2 चम्मच के करीब, और यहीं पर हम डालेंगे आमचूर पाउडर 2 चम्मच के। ये देखिए हम यहाँ पर पीसा हुआ 250 ग्राम सरसों दिए हैं, 250 ग्राम से भी ज़्यादा है। 1 बड़ा चम्मच काला जीरा या मंगरैल, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच हींग दिए हैं, और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और 2 चम्मच हमने पहले आमचूर डाल रखा था, 2 चम्मच और डाल देते हैं। यहीं पर डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा अचार में नमक ज़्यादा ही होना चाहिए। और यहीं पर डालेंगे हम सरसों का तेल, अभी सरसों का तेल हमने आधा किलो इसमें करीब करीब डाला है। देखिए सरसों तेल डालने के बाद हम पहले नींबू को काट देंगे। ये खट्टा नींबू मिलता है बाज़ार में आपको तो ठीक है, नहीं तो आप कागजी नींबू यानी कि नॉर्मल नींबू से भी काम चला सकते हैं। और देखिए इसमें बहुत बीज है, तो दूसरा नींबू को भी काट देते हैं। इसको हमें निचोड़ना है तो छन्नी लगा दो भाई नीचे। नींबू को निचोड़ देते हैं इस तरह से, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दूसरा टुकड़ा को भी निकाल देंगे, और इसी तरह सारा नींबू का हम जूस निकाल देंगे। ये देखिए कितना सारा बीज आया है, बीज बहुत होता है इसमें लेकिन जूस बहुत होता है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ा तेल कम लग रहा है तो और थोड़ा डाल देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बढ़िया सा मिल गया है मूली के अचार में। अब इसको हम 2-3 दिन और सुखाएंगे, और फिर अगर इसमें आप चाहें तो और भी ज़्यादा तेल डाल के, अगर ज़्यादा दिन तक रखना है आपको तो और ज़्यादा थोड़ा तेल डाल दें। और इसको जब जब टाइम मिले आपको धूप में सुखाते रहें और इसको खाते रहें। ये पूरा सालों भर चलने वाला अचार है ये, तो इसको 2-3 दिन और धूप में सुखाएँगे। तो हमारी ये मूली की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे मूली के अचार को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।